स्वागत है आपका अनुपगढ़ ज्योति न्यूज चैनल में। आइए ले चलते हैं खास खबर की ओर। एक एलएसएम बांडा कॉलोनी पंचमुखी बालाजी मंदिर के सामने से आवारा मरे पशुओं की गंदी बदबू आने से परेशान ग्रामीणों ने सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। अनूपगढ़ के गांव बांडा कॉलोनी के ग्रामीणों का कहना है कि राशनगर अनूपगढ़ नेशनल हाईवे 911 के पास पंचमुखी बालाजी मंदिर बना हुआ है, जिसके सामने जुली फ्लोर में झाड़ियां होने के कारण गांव के आसपास पशु व जानवर मरता है, तो वह ग्रामवासी उक्त जानकारी की झाड़ियों में मंदिर के सामने फेंक देते हैं। मंदिर के पास ही एक सरकारी अस्पताल में एक निजी विद्यालय भी है, जिस कारण विद्यालय व मंदिर में आने वाले आमजन व बच्चों को विद्यालय जाते समय आवारा कुत्तों का डर बना रहता है, तथा वहीं मरे पशुओं की गंदी बदबू के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर के सामने बनी झाड़ियों के कारण आवारा कुत्तों का झुंड नेशनल हाईवे 911 के पास वह रोड पर घूमते रहते हैं, जिससे कई बार रोड एक्सीडेंट भी हो चुके हैं तथा हर एक्सीडेंट भी समझाना वह बनी रहती है। वहीं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर को सुनवाई अपनी समस्या। वहीं जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जल्द चक एक एलएसएम बांडा कॉलोनी के पास बने मंदिर के सामने से कांटेदार झाड़ियां वे साफ किए जाने का आश्वासन दिया गया। वहीं मंदिर में आने वाले आमजन विद्यालय में जाने वाले बच्चों को सुरक्षित आगमन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, केशव नायक, अनुगढ़। में रोजलाइन स्कूल है, पास में मंदिर है, उसके सामने हड्डा रोड़ी है, मतलब की बनी हुई, पशु वगैरह गिरा के चले जाते हैं लोग, तो आवारा कुत्ते और बहुत सारे वहाँ आते हैं, दुर्गंध भी उनकी आती है, इसके कारण हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। तो सर वहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि को अवगत करवाया था आपने? जनप्रतिनिधि के, हाँ जी, अवगत करवाया था पहले। तो क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं मिला रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से, इसलिए फिर यहाँ। अच्छा, तो आज जिला कलेक्टर को आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अच्छा, ठीक है। सर जय श्री राम, मैं यहाँ पे कलेक्टर जी के पास आए थे जी, कि अपने जो ये पंचमुखी बालाजी का मंदिर बांडा कॉलोनी के अंदर जो निर्माण दिन है, वहाँ पे प्रत्येक पूर्णमासी को लंगर का प्रोग्राम होता है जी। तो पूर्णमासी को जो लंगर होता है, तो वहाँ पे क्या कि सामने नर्सरी बढ़ती है जी, नर्सरी में क्या कि आवारा पशु जो मर जाते हैं तो वहीं घेर देते हैं, तो उसकी क्या कि दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है, उसके निमित्त ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए। तो वहाँ पे आपके जनप्रतिनिधि, उनको अवगत करवाया था आपने? हाँ जी, सभी को कहा, पर कोई सुनवाई हुई नहीं। तो अब आज आपने आज कलेक्टर को दिया है ज्ञापन, ये क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने कहा है कि जल्द से जल्दी इस पे कार्रवाई होगी। नहीं, और वहाँ जुली फ्लोर भी है क्या? हाँ जी, जुली फ्लोर भी है। अच्छा,